क्योंकि ना मां ही बढ़ती है गलत। एक और नए ब्लॉग में तो आज शुरुआत हो गई है। आज है मेरी भतीजी का लगन लेखन, तो हम जा रहे हैं वहीं पर। ऑलरेडी थोड़े से लेट हो गए, जल्दी जल्दी सब तैयार हो रहे हैं। मैं हो गई, खूब सारे बैग भर लिए, अभी एक दो दिन वहीं रहूँगी क्योंकि पास तो है लेकिन बार बार आना जाना इतना जल्दी हो नहीं पाता। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वहीं रहना, तो मैं बार बार कौन ले जाएगा कौन छोड़ेगा, है ना? यस यस देख लो, तो अभी भी कह रहा सर पे बैग रखो और जाओ। मुझे तो 3 दिन जाना ही है, आज भी कल भी परसों भी। और क्या, तो अब हम निकल रहे हैं। फूफा नहीं, चलिए वहीं जाके दिखाएंगे आपको। फूफा जी तो फू फू कर लेते हैं अपने गालों को, इसलिए देखो ऐसे फूफा होने चाहिए जो कम से कम छोड़ने लेने भी नहीं जाने को तैयार है। ऐसे भाई देखो खाने लग रहा है। चलो तो मेरी कलर करने जा रही हूँ, क्योंकि ना मां नहीं पड़ती है कलर, तो मैं धुआऊ ना नीचे ना मैं लो नानी, कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ। तू ही तैयार? नहीं नहीं तुम गिरा फरा तुम बिलोगे ना Thank you.
जय हो घरेलू जय हो। दीदी तो जो कुछ भी लगन में जो लगन जो लिखी जाती है वो लड़की के गोद में रखी जाती है, फिर वो अपने घर के किसी बड़े की गोद में रखती हैं। तो अभी ये लड़की की दादी हैं तो उनको इन्होंने ये दिया है, क्योंकि जो अगर लगन लेता है ना वो फिर और कोई काम नहीं करता। और जो आज इन्होंने साड़ी पहन रखी है हर उसमें यही पहनेंगी, हर फंक्शन में यही साड़ी पहनेंगी जब कुछ ऐसे काम होंगे। तो दादी क्योंकि घर के और काम नहीं करती तो इसलिए दादी ने ये लगन ली है, और फिर लड़के के घर चली जाएगी ये जो लगन लिखी होती है। यहाँ देखो फोटो सेशन चल रहा है, तो ये लड़की की हैं, जो चाची ताईयां हैं, ये बहनें हैं, सभी फ़ोटो करा रहे हैं, क्योंकि लगन लिखने के बाद फिर क्या है, फ़ोटो सेशन और डांस यही होगा, फिर खाना पीना शुरू कर देंगे। अरे
गई है शाम और आज है रत जगह। तो रत जगह वाले दिन ना ये हल्दी हाथ होता है, हल्दात बोलते हैं उसको, वो होगा। और आज ये देखो ये छोटे छोटे इनको हम धनकुटा बोलते हैं, तो खल्लड़ में भी होते हैं ये ऐसे। अब लकड़ी के बड़े बड़े आते थे पहले, अब छोटे छोटे आने लग गए। तो सबको पहले कंगन बांधेंगे, यानी एक धागा बांधा जाएगा सबके। और आज ना पांच जो मेन होती हैं हल्दी लगाने वाली वो बनेंगी, उसमें बुआ होती हैं, चाची होती हैं, बहनें होती हैं, तो यही सब मिल के बनती हैं। ये पता नहीं ये कुछ शगुन की चुटकी वुटकी उठाते हैं, इसी आटे से जो है पापड़ बनाए जाएंगे। वो घर की वो करती हैं सारी, जो भंगे होती हैं लड़कियां उनमें हाथ नहीं लगाती हैं। तो ये सारी और सब घूंघट करके करेंगी, क्योंकि अब जैसे अपने बुजुर्गों के आगे रहते थे वैसे ही आज रहेंगे। तो ये वो रस्म चल रही हैं। और आज ही जो देवी देवता होते हैं उनको बुलाते हैं और फिर उनको एक जगह उसमें रखते हैं स्थापित करके, तो वही आज होगा। तो वही सब चल रहा है। ये सबके जो भी हल्दी वाली बनेंगी फिर उनके सबके हाथ में ना कलावे बांधे जाएंगे, तो ये सब उनके ही कलावे बांध रहे हैं। इसमें ये सामने जो बैठी हैं वो चाची हैं। तो एक बहन का और एक बुआ का होना बहुत ज़रूरी होता है, और आंटी वगैरह जो भी हैं उनको बना सकते हैं, लेकिन रिश्ते में जैसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ताई और उनको नहीं बनाते हैं, भाभी, हाँ भाभी को भी बनाते हैं, एक भाभी होनी चाहिए। तो ये मेरी मम्मी वो देवी देवताओं को ऐसे आह्वान कर रही हैं, मतलब बुला रही हैं उनको, फिर इनको एक जगह स्थापित करके ऐसे रखा जाएगा। अब देखिए जो पांच हल्दी वाली बनी है ना वो इस तरीके से ये चावल कूटेंगी। उखलियाँ होती थी घर में, अब उखलियाँ होती नहीं है, तो ऐसी किसी बर्तन में रख के उनको ऐसे उसे ऐसे कूटेंगे हल्का हल्का। तो एक मेन रहेगा, उसके संग वो चेंज होती रहेंगी जो भी पांच बनी है। तो जैसे मैं हूँ तो मेरे साथ ही पांच लोग करेंगे, फिर ऐसे हाथ मिला के ना वो उठा उठा के रखेंगे जो भी गेहूँ चावल जो भी कूटा होता है। और एक दूसरे से ना भिड़ना नहीं चाहिए, जिससे कूट रहे हैं जो धनकुटा होता है वो एक दूसरे में ना लगना नहीं चाहिए, ये ज़रूरी होता है। और इसमें भी वही है, जो एक मेन साथ में रही है वही सबके साथ उठाएगी हाथ जोड़ जोड़ मिला मिला के। तो अभी वही सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद लड़की आ जाएगी, तो एक पहला तेल आज रात को ही चढ़ जाएगा, यानी जो तेल और हल्दी होती है वो आज एक पहला तेल चढ़ जाएगा। और अभी देखो तेल चढ़ने की तैयारी चल रही है, तो वो जो घास से ही चढ़ता है ना, धूप घास जो होती है उसकी ऐसे छोटी छोटी झाड़ू सी बना लेंगे, फिर उससे लड़की को लाके ना तेल चढ़ाया जाएगा। बन रहा है जी खाना, सब लोग खाना खा रहे हैं। मम्मी यार वीडियो बन रहा है। तो ऐसी शादी में ऐसी खाना मिलता है। ये देखो जी ये बैठी सारी लड़कियां, बस हट जाओ ना, मैं तो अकेली बैठ के खाऊंगी ढाबे ढाबे में बैठ के। आ गया जी हमारा खाना भी। चलिए जी रोटियों का आनंद लेते हैं।